अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए अति महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित, जिनकी कल्पना के कारण ही आज इन स्पेस अस्तित्व में आ रहा है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद श्री सी आर पाटिल जी, अध्यक्ष इसरो श्री एस सोमनाथ जी, अध्यक्ष इन स्पेस श्री पवन कुमार गोयंका जी और उपस्थित इस क्षेत्र के सभी महानुभव, आज मोदी जी के हाथ से इन स्पेस के मुख्यालय के उद्घाटन के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पड़ाव आज पारित किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब तक इसरो ने जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त की थी, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त की थी उसको प्रैक्टिकल उपयोग में लाना, जमीन पर उतारना और इसके साथ साथ निजी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां और स्टार्टअप्स सभी को इसके साथ जोड़कर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए आगे आए। ये कल्पना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल पहले की और इसकी शुरुआत अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रमुख सुधारों से हुई। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की अपार संभावनाओं के द्वार तो इससे खुलेंगे ही, इसके साथ साथ भारतीय अंतरिक्ष उद्योग हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर भी बनेगा। आज स्पेस से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण कंपनीज के निर्देशक और स्टार्टअप्स यहाँ पर उपस्थित है, तब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज़ादी के 75वें साल में हम हैं, 2014 के पहले जितनी भी सरकारें बनी, मैं बहुत बारीकी से स्टडी करने के बाद मेरी बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में जितना काम होना चाहिए था नहीं किया। अनेक क्षेत्र ऐसे थे जो भारतीय लोगों के लिए, भारतीय समाज के लिए, भारत के टेक्नोक्रेट्स के लिए अनछुए रह गए, क्योंकि इसके अनुकूल नीति ही नहीं थी। मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा अगर परिवर्तन किया तो भारत सरकार ने अनेक क्षेत्रों के अंदर नीति निर्धारण कर और इसके अनुरूप सरकार के कार्यक्रमों की रचना कर अनेक क्षेत्रों की संभावनाओं को खोलने का काम किया। स्पेस उसमें से एक है। इसके अलावे नई ड्रोन नीति बनी है, आयुष्मान भारत के साथ जोड़कर नई स्वास्थ्य नीति बनी है, मेक इन इंडिया के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की नीति बनी है, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, उड़ान, आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई योजना, ग्रीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, डीबीटी, जेम, सुलभ भारत, मिशन शक्ति, जीएसटी का जमीन पर उतारना, स्मार्ट सिटी, कई सारी नीतियां और कार्यक्रम इस प्रकार से बनाए गए कि नए नए क्षेत्रों के लिए भारत का बाजार भी खुला है, भारत के युवाओं के लिए एक इस प्रकार के मंच की, एक प्लेटफॉर्म की रचना हुई है जहां खड़ा रहकर वो विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर सके। और आज मोदी जी ने ये जो इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है वो अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए, हमारे लिए
अंतरिक्ष क्षेत्र की बहुत सारी संभावनाओं को तराशने का और उसको जमीन पर उतारने का माध्यम बनने वाली है। 21वीं सदी का भारत आज जिस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जो रिफॉर्म कर रहा है, उसका मूल आधार मोदी जी की भारत के लोगों की क्षमता पर अटूट विश्वास है। मित्रों, आज मैं कोई अतिशयोक्ति के बगैर कहना चाहता हूं, मैं अभी 13 स्टार्टअप के स्टॉल को देखकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है ये छोटा सा दिखाई पड़ने वाला कार्यक्रम भारत को स्पेस के क्षेत्र में जायंट बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम सिद्ध होने वाला है। मोदी जी ने स्पेस क्षेत्र, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एप्लीकेशन और स्पेस की एप्लीकेशन का कल्याणकारी उपयोग, इस सबों को संजोने के लिए इसकी कल्पना की थी। आज ये कार्यक्रम उसी कल्पना का एक कड़ी है। मुझे बहुत आनंद है कि आज नरेंद्र भाई ने जो कल्पना की थी उसको जमीन पर उतरते हुए हम सब देख रहे हैं। नरेंद्र भाई का एक कोट है, मैं कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में जरूरत इस बात की है कि प्रतिभा पर किसी तरह की बंदिश न हो, चाहे वो प्रतिभा सार्वजनिक क्षेत्र की हो या निजी क्षेत्र की। यहाँ से निजी क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, असिस्टेंस भी मिलेगा और उनकी खोजों को जमीन पर उतारने के लिए एक रास्ता भी यहीं से तराशा जाएगा। मैं आज इनस्पेस के अध्यक्ष और इसरो के अध्यक्ष दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और समग्र देश की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे देश के युवाओं को इन्होंने एक कभी खत्म न होने वाली संभावनाओं को खोलने का काम किया है। वंदे मातरम।